If the length of a wire is increased by 2%, then percentage change in resistance. We know R equal to कहते rho L by A, ठीक है ची? So both side रे मतलब numerator denominator L multiply कर ची, तो ये गला कहते गला rho L square by volume. तो गोटे length को जो दिया मैं increase कर दबा, ठीक है ची? ताले कौन सेम रहे एरिया तो चेंज हो सेम कौन रहे ताले वॉल्यूम सेम रहे वॉल्यूम कांस्टेंट रहे हो और रेसिस्टिविटी मटेरियल लो सेम रहे हो ओनली लेंथ ऊपर डिपेंड कर रेजिस्टेंस टा है ना सो कितने चेंज कराए जी परसेंटेज चेंज इन एल इज 2% 2% मींस कितने है ना 2/100 इनटू एल इतनी की चेंज कराए ताले और न्यू लेंथ है कितने गला एल इज इक्वल टू एल प्लस 2/100 इंटू ए इंटू एल दस इक्वल टू 100 एल सी एम गला तो 102 इंटू एल करेक्ट सर बताना कौन कहले हमें चेंज इन लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग 2% बता न्यू रेजिस्टेंस आर डेस कहते जो बता ले रो एल डेस स्क्वेयर बाय वॉल्यूम सो रो इंटू एल डेस स्क्वेयर मीन्स 102/100 इंटू एल रो स्क्वेयर डिवाइड बाय कौन वॉल्यूम एटी मिलेज के लिख ची दैट्स इक्वल टू आर डेज इक्वल टू देखिए रो बाय वी एट द ओडे एल अछि तो एल स्क्वायर बाहर को आसे एल स्क्वायर नै आसे इनटू 102/100 रो स्क्वेयर सो परसेंटेज चेंज कते हि जो एबे इन रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज इन आर कते बना जनरल फार्मूला आर डेस माइनस आर बाय ओरिजिनल चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100 इतनी की परसेंटेज चेंज हो दैट्स इक्वल टू एटा कौन पूरा रो एल स्क्वायर बीटा हो जी आर ना ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ओरिजिनल लेंथ एल थिला इते भाई सो आर डेस माइनस आर जदि मु लिखि देले आर डेस प्लेस रे लिखि बार भी आर इनटू 102/100 रो स्क्वायर माइनस आर डिवाइड बाय आर इनटू 100 ठीक अछि सो देखो सब तरह आर कैंसिल आउट हो जो आर कॉमन है कैंसिल आउट हो गेला तो हेटा हो गेला 102 रो स्क्वायर बाय 100 माइनस 100 ए 100 टा मल्टीप्लाई एटी करली ना तो दैट्स इक्वल टू 104.04 माइनस 100 तो ताले कितने आंसर है जी वो 4.04% करेक्ट दिस इज द करेक्ट आंसर जो मुझे तुम शॉर्टकट ट्रिक्स आगर बताई थी कौन जो हमें थी चेंज इन आर बाय आर इनटू 100 इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय जो भी थिला एटी कोई दिली कौन सॉरी आर एक्सप्रेशन थिला आर तब टू कोफिशिएंट है जीवो इनटू डेल्टा आर बाय डेल्टा एल बाय एल एटा परसेंटेज एरर वाला कांसेप्ट परसेंटेज एरर वाला कांसेप्ट ही एटा अप्लाई करेक्टली अप्लाई करियो बने सब केस रे एटा इक्वल हबनी ना एटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर एंती तो एटा हमें यूज करिवानी ना एटा मिस्टेक थिला डी अनदर क्वेश्चन ओर लिखिया यदि लेंथ 0.1% इंक्रीज कर जाए ताले रेजिस्टेंस कते इंक्रीज कर जीवो तो चेंज इन रेजिस्टेंस एल एस मतलब न्यू चेंज न्यू सॉरी न्यू लेंथ टा कहते हैं जीवो ना एल प्लस 0.1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ 0.1% 0.1/100 इनटू एल सो टा कहते हैं वाला 100.1/100 इनटू कहते एल तो रेजिस्टेंस कहते हैं जो आर डेस इक्वल टू रो एल डेस स्क्वायर बाय वी दैट्स इक्वल टू रो बाय वी इनटू एल डेस स्क्वायर मींस
100.1 by 100 rho square into L square. तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कहते हैं ना आरडीएस माइनस आर बाय ओरिजिनल इनटू 100, दिस इंप्लाई दिस इक्वल टू, देखो ये जो रो वी बाय एल स्क्वायर एटा कहली मुना आर कहली ना आर ओरिजिनल लेंथ आर, तो बहुत सारे आर आरडीएस प्लेस ना मैं इटा पुट कर दवा तो आर कैंसिल आउट हो जीवो तले 100 एरो स्क्वायर माइनस 100 ना माइनस 100 अब याकू सॉल्व करले भाई बा 0.2% जोटा कि मैच करी जाउ थला यदि हम एल स्क्वायर नो ना बात आले 2 × 0.1 थे तो मैच करी जाउ थला है ना, पर सब केस रे मैच होउनी ना मैच होवनी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज रेक्टिफाई दिस।